हेलो यारो, नमस्कार। मेरा नाम दीपक है और मैं सती ट्रेवल सेने में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं हूँ अपने गांव यानी कि आमधार और कालीगांव के बिल्कुल बीचों बीच में, और यहाँ से मुझे जाना है अपने गांव की तरफ, क्योंकि दोस्तों आज हमारे गांव में है बिल्कुल हमारी जागरी, और यहाँ पर जागर लगेगी। तो जागर में क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आज अपडेट होंगी और कल जा कर के हम इसको और भी बढ़िया तरीके से अपडेट करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ अपने गांव आमधार, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ साइन बोर्ड आमधार 2 किलोमीटर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। सामने आपको हरोहित राजा का मंदिर देखने को मिलता है, और सामने बहुत ही पुरानी पॉलिटेक्निक है दोस्तों। किसी टाइम में हम लोग यहाँ से इस रास्ते से पैदल जाया करते थे अपने गांव की तरफ के लिए, क्योंकि उस टाइम यहां पर रोड नहीं बनी हुई थी, लेकिन फिर भी आज संसाधन हो चुके हैं। और अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं मैं दोस्तों आ चुका हूं हरिद्वार, और हरिद्वार में मुझे करना है यहां गंगा स्नान और बहुत सारी पूजा पाठ। तो फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं हम लगातार हरिद्वार की चहल पहल आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। फिलहाल दोस्तों जैसे जैसे मैं हरिद्वार एंट्रेंस में ही जा रहा था आगे की तरफ को, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और गर्मी भी जायज़ है क्योंकि 46 और 47 का टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है। फिलहाल मेरे साथ है मेरा भाई, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मम्मी पापा मेरे साथ हैं, और अभी हम जाएंगे यहाँ से चंडी घाट पर, और चंडी घाट पर हमें थोड़ा सा गंगा स्नान करना है, और गंगा स्नान करने के बाद फिर हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं मुझे अंडरवियर भी लेना है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा एक बड़ा वाला अंडरवियर ज़रूरी है, क्योंकि अभी यहाँ पे स्नान होगा, तो स्नान के लिए एक बढ़िया तरीके का, मतलब थोड़ा हैवी अंडरवियर मैं इसको बोल सकता हूँ, ये लेना बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं ये है गंगा माता, और इनके ऊपर जो फ्लाईओवर है इस पुल में हम निकल रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ठंडा पानी है यहाँ का, ऐसे ही देखने से पता चल जाता है। क्योंकि गंगा में जितने लोग आते हैं, अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पानी बहुत मटमैला है, बट अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल चलते हैं चंडी घाट की तरफ, क्योंकि वहाँ पर हमें स्नान ध्यान करना है। और मम्मी आगे से चल रही है, देखो कितने फुर्ती से चल रही है, क्योंकि हरिद्वार मुझे लगता है कि उसका भी एक विचार था हरिद्वार आने का, वो भी बहुत बार आ चुकी है लेकिन इस बार मेरे साथ आई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मोमेंट अच्छा है यहाँ पर। और मौसम हालांकि ऊपर बहुत गर्मी है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जायज़ है उमस होती है, और उमस की वजह से काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि 44-45 टेम्परेचर चल रहा है, साथ में पानी यहाँ पर है, तो पानी से उमस क्रिएट होती है जिससे हम लोगों को ज़्यादातर तकलीफ देखने को मिलती है। तो कोई इशू नहीं है, चोटी वाला रेस्टोरेंट आप सामने देख सकते हैं दोस्तों, हरिद्वार का फेमस रेस्टोरेंट चोटी वाला। और अभी मैं जिस जगह पे हूँ, यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्ट ये रोड जाती है सीधे हरिद्वार मेन बस अड्डे की तरफ, और ये राइट हैंड साइड में जो आगे को जा रही थी वो है वैष्णो देवी मंदिर के लिए, यानी हम वहाँ से वैष्णो देवी मंदिर के लिए जा सकते हैं, मनसा देवी मंदिर के लिए जा सकते हैं। और फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं मैं हूँ अभी मेन मार्केट में, और यहाँ की चहल पहल कुछ इस प्रकार की है दोस्तों। तो फिलहाल अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं हरिद्वार, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको हरिद्वार विजिट करना है या बद्रीनाथ केदारनाथ यहाँ से जाना है, तो ज़रूर आइए दोस्तों और यहाँ पर अपने ट्रिप को बिल्कुल मेमोरेबल ट्रिप बनाएं। फिलहाल दोस्तों हमें जाना है चंडी घाट, और अब हम पहुंच चुके हैं चंडी घाट पे, और क्योंकि सबसे पहले मैंने बोला था कि आप लोग स्नान करके आइए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर सामान की देखरेख करने के लिए आपको कोई नहीं मिलता है। बट पहले क्या होता है कि अगर आप 2-3 मेंबर साथ में जा रहे हैं, तो पहले एक आदमी जो आपको सामान को देख ले, तो बाकी 2 मेंबर यहाँ पर नहा सकते हैं, फिर उसके बाद देन एक आदमी आकर के आपके सामान को पकड़े, दूसरा नहा ले, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर माहौल क्रिएट करना पड़ता है। थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक भीड़भाड़ वाला इलाका मैं इसको मान सकता हूँ, और यहाँ पर आपका कीमती सामान कभी भी
गायब भी हो सकता है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। फिलहाल दोस्तों आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से सती ट्रेवल्स के अंदाज में आज का ब्लॉग, और मैं जा रहा हूँ दोस्तों नहाने के लिए क्योंकि मम्मी पापा और भाई ने नहा लिया है, वो आ चुके हैं और अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो फिलहाल आप बने रहें, देखते रहें सती ट्रेवल्स के अंदाज में आज का ब्लॉग, और सामने आप देख सकते हैं खूबसूरत सा नज़ारा हरिद्वार हर की पैड़ी का और साथ में चंडी घाट का। तो जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ का माहौल, यहाँ की गर्मी और यहाँ का खूबसूरत वातावरण जो कि इंसान के मन को और शरीर को बिल्कुल पवित्र कर देता है, कुछ इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं। मैं गंगा घाट से नहा करके दो डुबकी लगा करके ऊपर वापस आ चुका हूँ। अभी मुझे फिर जाना है वापस क्योंकि मैं सिर्फ एक वीडियो शूट करने के लिए ऊपर आया था, लेकिन अभी मैं फिर नीचे जाऊंगा, फिर मुझे थोड़ी देर के लिए नदी के मतलब जो हमारी गंगा माता है इसके अंदर ही मुझे रहना है थोड़ी देर, ताकि मेरे को थोड़ा सुकून मिल सके क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा गर्मी होती है और इस गर्मी को कैसे कंट्रोल किया जाए ये आज आप देख सकते हैं। और कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत दूर दूर से देश विदेश से लोग यहाँ पर है ना घूमने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों फाइनली बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे होता हुआ आप देख सकते हैं, माँ का चमत्कार और साथ में यहाँ के लोगों की गतिविधियाँ। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और हमें निकलना है यहाँ से जल्दी यहाँ से निकलना है क्योंकि नीचे फर्श इतना गर्म हो रखा है कि अगर थोड़ा सा भी हमारा पैर ना नीचे फर्श पे चल रहा है तो उतने में ही पैर बिल्कुल जल के सुन्न हो जा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं जून का महीना है और इतनी भयंकर गर्मी यहाँ पर हरिद्वार में देखने को मिल रही है कि अगर नंगे पाँव, क्योंकि इस स्थान पे तो ज़्यादातर लोग नंगे पाँव ही चलते हैं, लेकिन जब तक आप पानी के अंदर रहते हैं ना तब तक आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, जैसे ही आप पानी से बाहर निकलते हैं और फिर आप यहाँ पे खड़े होते हैं ना तो आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल क्या है कि हमें यहाँ पर क्या है थोड़ा पूजा पाठ करनी है और पूजा पाठ करके हमें यहाँ से निकलना है, तो अभी रेडी हो रखें, पूजा पाठ करने जा रहे हैं और थोड़ा सा समय देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है और पंडित जी भी बहुत बिजी हैं क्योंकि पंडित जी ने ऑलरेडी दो तीन क्लाइंट पकड़ रखे हैं और उनके पास इतना समय नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि पंडितों का भी काम मुझे कुछ इस प्रकार से लगा कि वो लोग थोड़ा सा घुमाव फिराव वाला काम भी कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले पंडित जी से पूछा था कि यार मुझे थोड़ा सा कुछ मतलब शांति अभिषेक करना है, कुछ पाठ करना है, तो पंडित जी ने क्या करा किसी दूसरे को बुला दिया और उस दूसरे ने क्या करा फिर तीसरे को बुला दिया और तीसरे ने चौथे को बुला दिया। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको बोला कि यार मैं तो डेली आने वाला आदमी हूँ और मुझे इस प्रकार की गतिविधियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर पंडित जी बोले कि चलो कोई बात नहीं, मैं ही आपका कर लेता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। तो मुझे लगता है कि पंडित जी को पता चल गया कि मैं भी एक जानकार आदमी हूँ इस एरिया का, इसलिए उन्होंने ज़्यादा मुझे घुमाव फिराव करने में ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाया। अदरवाइज़ कोई भी नया आदमी अगर दोस्तों यहाँ पर आता है तो उसको थोड़ा सा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों कभी भी अगर आप हरिद्वार आते हैं, इन जगहों पर पवित्र स्थलों पर अगर कभी आते हैं तो थोड़ा सा अपने माइंड का भी यूज़ कीजिए और अपने हिसाब से काम करवाने की कोशिश कीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि किसी के बहकावे में आने की, मतलब आपको कि भैया कोई अगर आपको बहका रहा है, उधर भेज रहा है, इधर भेज रहा है, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने दिमाग का यूज़ करके ईजिली अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं निकल रहा हूँ और चलते चलते भी मुझे इतने सारे पंडित लोग मिल गए। कोई कह रहा है कि भैया आपको पुरुषोत्तम भाई साहब ने भेजा था, मैंने बोला नहीं, पुरुषोत्तम भाई साहब ने तो अभी फ़ोन करा था। तो वो लोग इस तरीके से भी मैनिपुलेट कर लेते ताकि आप कहीं से भी आए हों और थोड़ा सा भी अगर आप थोड़ा सा भी अपने माइंड का यूज़ नहीं करेंगे तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं बुरी तरीके से फंस सकते हैं। फंसने का मतलब ये है कि आपका जो काम होना है वो काम तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन ये है कि आपके जेब से थोड़ा ज़्यादा पैसा निकल सकता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के बिजनेस, मैं मानता हूँ कि कुछ इस प्रकार के धंधे भी यहाँ पर चल रहे जिनका हमें खंडन करना है। और आप सभी लोग समझदार बनिए, जागरूक बनिए और कभी भी अगर हरिद्वार आते हैं तो बेहिचक आइए और बेफिक्र होकर के अपना कार्य कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बशर्ते क्या है कि आपको थोड़ा सा समझदार बनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना माइंड लगाने की ज़रूरत है। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं पार्किंग में और मेरे को गाड़ी यहां से निकालनी है और मैं निकलता हूं अभी, मुझे यहां से सीधे जाना है कालीगांव यानी सल्ट के लिए
और आमधार मुझे अपने गांव में पहुंचना है अभी इसी वक्त, क्योंकि शाम के बज चुके हैं अभी 4:30 और मैं निकल रहा हूं यहां से हरिद्वार पार्किंग स्टेशन से डायरेक्ट अपने आमधार गांव के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग? अगर दोस्तों आप मेरे ब्लॉग से खुश हैं, पसंद आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर आउट करें। दोस्तों कभी भी अगर आप हरिद्वार जैसी जगह पर आते हैं, अकेले हैं, परेशान हैं, कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, आपको खुश रहना है, अपने काम को करना है और बढ़िया तरीके से अपनी ट्रिप को मेमोरेबल ट्रिप बनाना है, आराम से दर्शन करने हैं, किसी की कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, बस एक बात ध्यान रखिएगा, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है, अपना सामान और अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए और भीड़ को क्रॉस कर स्नान करिए और अपने घर को वापस जाइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय।